हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक माय लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पेश कर रहे हैं पिटारा कॉमिक्स की कॉमिक्स नन्ना भूत। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्ना भूत। भालू, तुमने हिरण के बच्चे की आवाज़ तो सुनी ही होगी, सुनी सुबकने की। मेरे कान ऐसी ही बात नहीं करते सुअर, यार सुन तो। हाँ, कुछ आवाज़ है तो मुझे तो लगता है कोई भूत आवाज़ निकाल रहा है। भूत? हाँ यार, जंगल का मामला है, मेरी मान तो भाग भू, अब क्या होगा। वह बाप रे आ गया, भागो रे, उआ उआ, मुझे भी लेता जा सुअर, बचाओ बचाओ। वही ढाक सुबक, अरे यह तो तुम नन्हे छोले, सू 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 हिरण की खुशबू यानी शिकार। अरे पकड़ा तुझे टाइगर, तुम मुझे खाओगे? माफ़ करना, मैं समझा हिरण हिरण है, मुझे उसकी खुशबू आई थी। वहाँ एक भूत घूम रहा है, हिरण नहीं, मुझे तो लगता है भूत ने भालू को पकड़ लिया है। चलो, मैं किसी भूत भूत को नहीं मानता। अरे मत जाओ, पछताओगे। तो क्या करें, भालू के घर चलते हैं, उधर शायद तुम भूखे हो नन्हे छोने। आओ, शायद मेरे घर में कुछ शहद हो, शर्माओ नहीं, आ जाओ, इसमें शहद है, लो इसे खा लो। अरे सब्र करो, मैं निकाल देता हूँ। और ये क्या कर डाला कम वक्त, आओ देंगे भालू ठीक है ना। अरे बाप रे, भूत रुको। भालू भूत को वापस बुला रहा था, वापस आओ कड़प, आओ मैं देख इधर आओ, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। मैं तो चला, डरो मत, यह नन्ना सा हिरण है, बेचारा भूखा है। मैं सोचा यह भूत है। भूत? व्हाट नॉनसेंस यू, तुम लोग क्या कर रहे हो? इस नन्हे हिरण का मुंह बस बर्तन में फंस गया है, मैं अपने पैर से तोड़ देता हूँ यह बर्तन। क्या आप लोगों ने मेरा नन्ना हिरण देखा है? बाप रे, इसकी मम्मी आ गई। अरे कहाँ चलती है मम्मी, या मेरे बेटे के साथ क्या कर डाला तुमने? तड़ाक हो, यह मेरा लाडला कितना मीठा है। चलो बेचारे की जान बची, मैं सोच रहा था सुअर कहाँ गया, उसे भूत उठा ले गया। हा हा, अब कर भागो, भूत आया भू कर। हा हा, कहिए कैसी रही अगली कॉमिक्स है बाकी टाकी। बाकी, नाना जी का पत्र आया, उन्होंने हमें चंडीगढ़ बुलाया है। सच टाकी, मैं अभी तैयारी करती हूँ, मगर हम इतनी दूर पैदल कैसे जाएंगे? पैदल पागल हो गई है बाकी, हम लिफ्ट मांगकर किसी गाड़ी पर जाएंगे। वही, हम इतनी छोटी हैं कि लिफ्ट देने वाले को नज़र नहीं आएंगी, तब तो कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। चला, हम ट्रेन से जाएंगे, हाँ यही ठीक रहेगा, चल जल्दी कहीं टिकटें ख़त्म ना हो जाएं। चंडीगढ़, अम्बाला, पानीपत, कोनीपत, सोनीपत, अरे बाप रे, 15 रुपये किराया, देखती हूँ मेरे पास कितने रुपए हैं, कुल मिलाकर 10 रुपये। चलो वापस घर चले बहु, बाद में हाय बाकी टाकी, कैसे हाय, ये तो हाय हाय हो रही है, हमें चंडीगढ़ जाना है, पहले बस 10 रुपये हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ? तुम क्या मदद करोगे, चल तो सही, बाद में चंडीगढ़ में। डाकिया, शायद मेरा पत्र आया है। अरे बाकी टाकी, नमस्ते नाना जी, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? जी नाना जी, अरे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? पार्सल होकर आए ही। अगली कॉमिक से गधा परेशान। गधे, क्यों परेशान हो? आवाज़ों से हाँ, सारे दिन रहती हैं ये आवाज़ें, फ्लैप फ्लैप, रात को भी सो नहीं पाता। वो क्यों? भिन्न भिन्न, कभी मक्खियों की भमराहट तो कभी मच्छर की सूसू, ऐसी आवाज़ें, यह तो कितनी सुरीली हैं, मुझे नफरत है इनसे, तंग आ गया उन बेसुरे रागों से, दिखेट दें कमाल है। इन मछलियों को हर समय कड़क कड़क पड़ती रहती है, नन्हे मेढक, और ये कमबख्त टर 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 की रट लगाए रहते हैं, और बतखें क्वैक क्वैक चीखती रहती हैं, यह बगला तो सही है ना, बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है, इसकी कसर यह मेंढक और बतखें पूरी करती हैं, ये बतखें कुछ बातुनी तो होती हैं, टर टर, मैं जंगल में नहीं रह पाऊँगा, क्वैं क्वैं क्वैं, लो चली गई सब, थोड़ी देर बाद फिर सब यही शुरू हो जाएगा। क्या हुआ भालू, ये गधा किससे परेशान है? आवाज़ों से, सुबह कैसी आवाज़ें हैं? ये मेंढकों, चिड़ियाँ, मच्छरों इत्यादि की, भू, मैं संसार का सबसे दुखी प्राणी हूँ, ये क्या कह रहे हो? सही कह रहा है, यही हाल रहा, या तो पागल हो जाऊँगा या मर जाऊँगा। अरे हिम्मत कर रखो यार, फटाक
सब सुख ये सब खुश होते हैं तो आवाज़ निकलता है, तब तुम भी खुश रहा करो। मुझे तो बेचारे गधे पर दया आ रही है, खुश रहा हूँ मगर कैसे, हर कोई मुझे तंग करने पर तुला रहता है। हाय गधे हो गधे, तू क्या शेर बनेगा? अरे टाइगर मत सदा उसे, टाइगर बात सुनो मैं जानता था कोई मेरे से खुश नहीं देखना चाहता। छोड़ यार, देख क्या खुशगवार मौसम है, पंछी उड़ा रहे हैं, एक और आ गया जले पर नमक लगाने। तुम्हारा ये मफलर शायद उसकी सहायता कर दे। ओहो यहाँ मच्छरों का शोर है, यहाँ कितनी शांति आवाज़ें रहती हैं, क्या भालू निकाल ला गड़ गड़। और फिर ओहो गधे हट जा, यह तो गया काम से, भालू अब तो गया काम से, और ये गधा नदी पर जा रहा है, चल दूर हटा हुआ, वो ये पुल टूटा बह रहा है। अरे गया काम से, बाप रे गधा पुल पे जा रहा था, पुल टूट गया, मुझे पानी की कटाव की आवाज़ सुनाई नहीं थी, अब किसको सहायता के लिए पुकारूं? सब तरफ सुनाया ना, यही तो मैं चाहता था। भू घबरा मत गधे, मैं आ रही हूँ। आ गया, अरे गधा नदी में गिर गया है, गिलहरी बचाने आ तो रही है, अलविदा जालिम जवाने। आए यह तो मैं अपने भार कैसे आ गया, कितना भारी है गधा, तुम सौभाग्यशाली जो गिलहरी ने बचा लिया हो, शायद मैं स्वार्थी हो गया था। यह कुदरत ने दी है आवाज़ें जो सभी के सुनने व कहने के लिए होती हैं, टर टर छियों भिन्न, हेलो चिड़िया तुम कितना सुंदर गाती हो, ची ची लगता है ऐसे अगर आ गई। प्रकृति से प्यार करना चाहिए, कुदरत की बनाई हर चीज़ लाजवाब वे प्यार करने योग्य है, ची ची भिन क्वैक क्वैक। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कॉमिक्स ख़त्म होती है, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी बढ़िया बताइए। ओके धन्यवाद, और अभी तक हम देख रहे हैं कि हमें कुछ ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप केवल हमारी वीडियो देख के चले जाते हैं, आप और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम और अच्छी अच्छी कॉमिक्स और आगे से आगे चैनल को बढ़ा के पेश कर सकें, और धन्यवाद।